हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत 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 स्वागत है हमारे चैनल में। टुडे आई एम टेलिंग यू कि आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन क्यों इतना टाइम लेता है, क्यों इतना टाइम कंज्यूम करता है बैटरी फुल चार्ज होने में। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन क्यों होता है लेट चार्जिंग, या तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन क्यों इतना टाइम लेता है चार्ज होने में। तो ऐसे हर सब जुड़ी क्वेश्चनों का आपको इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल में अभी तक नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात आपको दोस्तों तक पता चल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इसी के बारे में बात किया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। तो दोस्तों, आप वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, एवरीथिंग यू वांट योर चॉइस को क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अगर हम बात करें एंड्रॉयड फोन की, तो ऐसा बहुत लोग का फोन मिल जाएगा जहां पे चार्जिंग नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इस पर टेक्नोलॉजी पे ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों, चार्ज फास्ट इसलिए, अब आप बोलोगे 5 मिनट में मेरा फ़ोन का फास्ट फूड पूरा फास्ट में चार्जिंग हो जाता फुल 5 ही मिनट में, तो दोस्तों गलत है। अगर आप चार्ज करते हो तो काफ़ी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे फ़ोन और चार्जर से। अब होता है क्या इसमें दोस्तों, अब ज़्यादातर अगर चार्जिंग फास्ट होने लगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रन करने लगेंगे बहुत जल्दी। अगर रन करेंगे तो वो ज़्यादा ही पड़ता है, हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादातर हमारे फ़ोन को नुकसान हो सकता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो क्या आपने कभी सोचा कि क्यों नहीं मैं जो कार को क्यों नहीं पार्क करवा लूँ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? आपने कभी सोचा कोई भी जाएगा पार्क कराने स्लो में जाएगा, अगर वही तेज जाएगा तो वो क्रैश हो सकता है। तो सेम चीज़ वही चार्जिंग में होता है, चार्ज इतना फास्ट नहीं होता क्योंकि ये कभी भी हीट प्रोड्यूस होता, हीट तो हमेशा प्रोड्यूस होने लगेगा जल्दी, और इससे हमारा फ़ोन या तो चार्जर को नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से मीडियम स्पीड ही सही है, और जिस तरह हमारा चार्जर सही होता है वो सही है। अगर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे बात पे, तो दोस्तों आप बोलोगे कि नहीं, मेरा 5 मिनट मुझे नहीं चाहिए, कम से कम आधा एक घंटा में हो जाए तो फिर भी मेरा फ़ोन जल्दी चार्ज नहीं होता है। तो इसमें दोस्तों ये याद आ जाता है कि आप अपना ओरिजिनल चार्जर यूज़ नहीं कर रहे होंगे, और अगर जब भी आपको चार्ज करना होता है तो अपने फ़ोन के साथ जो चार्जर मिलता है ओरिजिनल चार्जर, उसी के साथ आपको अपना फ़ोन को चार्ज लगाना चाहिए। और या तो वो बिगड़ गया तो आप सोचिए चलो 50-60 रुपये का रिटेलर से ख़रीद लेता हूँ रिटेलर शॉप से और वहाँ से यूज़ कर लूँगा, बिल्कुल आप गलत करते हैं। आपको फ़ोन का बैटरी को स्लो करता है, और अगर आपका वही चार्जर बिगड़ जाता है ओरिजिनल वाला, तो जाइए सर्विस सेंटर से अपना फ़ोन को दिखा के, या तो अच्छी दुकान पर जाके अपने फ़ोन को दिखा के उसी हिसाब से बैटरी लीजिए, तब सही पड़ेगा दोस्तों। और ऐसे 50-60 रुपये में सोचेंगे कि काम चला लो तो ये कर सकता है आपका फ़ोन को नुकसान, नुकसान क्या बैटरी को कर देगा नुकसान, जिससे आपका बैटरी स्लो हो जाएगा। शुरू में तो चार्ज कर देगा पर एंड में आपको कुछ देखना पड़ेगा, 50-60 रुपये के बदले आपको 500-600 का घाटा हो सकता है दोस्तों। तो बिल्कुल ऐसा काम मत कीजिए, ये भी एक चार्ज का रीज़न बनता है कि आपका चार्ज कैसे स्लो हो जाता है। और फर्स्ट तो मैंने बताया ही कि क्यों फर्स्ट चार्जर नहीं होता है। अब दोस्तों, अगर तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि तीसरा स्टेप कैसे होते हो, दोस्तों सबसे अच्छा भी यही है कि आप एयरप्लेन मोड अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ऑन कर लेते हैं, और फ़ोन को अनलॉक करके यानी कि लॉक करके चार्ज में लगा देते हैं तो वो जल्दी से चार्ज हो जाएगा। क्योंकि एयरप्लेन मोड जब ऑन हो जाएगा तो बैटरी पे जो प्रेशर रहेगा वो कम हो जाएगा और आपका फ़ोन तुरंत चार्ज हो जाएगा। तो ये था दोस्तों एक तीन रीज़न कि आपका फ़ोन क्यों नहीं होता है जल्दी चार्ज। फर्स्ट रीज़न बेस्ट है क्योंकि आपको फ़ोन इस वजह से चार्ज नहीं होता है, अगर जल्दी चार्ज होने लगेगा तो आपका फ़ोन हो सके तो हीट हो सकता है और कुछ उसको डैमेज भी होने का चांसेस होगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं उम्मीद करूँगा आप सभी लोग को मेरा बात समझ आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आता है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर प्लीज़। बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।